गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप घर बनाते समय वाटर टैंक की फिटिंग सही तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने एक बार वाटर टैंक की फिटिंग सही तरीके से कर ली तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब आप एक बार फिट करा चुके होते हैं तो बाद में जब आप वाटर टैंक की क्लीनिंग करने जाते हैं तो सही तरीके से क्लीन नहीं हो पाता है, क्लीनिंग करने में दिक्कत आती है। और दूसरी जो समस्या होती है वो होती है वाटर टैंक की ओवरफ्लो की। जब आपका वाटर टैंक भर जाता है तो ऑफ कोर्स यदि आपने कोई ओवरफ्लो का अलार्म भी लगा दिया तब भी उसके बावजूद आपके छत के ऊपर पानी गिरता है और छत पे पानी इकट्ठा होने की वजह से कई बार सीलन की समस्या आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं यदि आपने सही तरीके से अपने वाटर टैंक की फिटिंग कराई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। जब भी मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स को देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि आप सभी लोग मेरे चैनल को देखते तो जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे जो आपको वाटर टैंक की फिटिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर दो वाटर टैंक की फिटिंग है। 500 लीटर्स के दोनों टैंक हैं और जितने भी पाइप यहाँ पर वाटर टैंक से कनेक्टेड हैं वो कनेक्शन जो है यूनियन के थ्रू किया गया है। और यूनियन का फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप यूनियन को खोल लेते हैं तो ये वाटर टैंक टोटली जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसे आप आसानी से नीचे भी उतार सकते हैं, कन्वीनियंट प्लेस पर ले जाकर आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है यूनियन को लगाने का। दोनों वाटर टैंक के इनलेट अलग अलग हैं और जो इसके आउटलेट हैं वो सेपरेट हैं। ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग है और फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग है। और जो चौथा पाइप है उस वो किस लिए दिया गया है मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। और ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, एक आयरन की जो निप्पल आती है उसे गर्म करके आप यहाँ पे होल किया जा रहा है जिससे कि आपकी पाइप की फिटिंग जो निप्पल आप फिटिंग करेंगे यहाँ पे उसकी कनेक्शन हो जाए। वैसे ड्रिलर भी आते हैं लेकिन अधिकतर जो है इसी तरीके से गर्म करके मेटल की जो निप्पल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत ध्यान से ये आपको करना है। और जो आप निप्पल कनेक्ट करें उसकी सील का विशेष रूप से ध्यान रखना है, रबर सील। एक टैंक में दो आउटलेट का पॉइंट दे दिया जा रहा है क्योंकि ये जो दोनों टैंक हैं आपस में कनेक्ट कर दिए जाएंगे जिससे कि वाटर की जो कैपेसिटी है 500 प्लस 500 1000 लीटर्स की हो जाएगी। यहाँ पे ये दो निप्पल कनेक्ट किए गए हैं और इस दोनों टैंक को आपस में इंटर कनेक्ट करने के लिए इस वॉल्व का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वॉल्व का पर्पस ये है कि आप जब चाहें इन दोनों वाटर टैंक को, जैसे ही आप वाल्व को ऑफ कर देंगे तो ये दोनों टैंक जो हैं सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि इसके वाटर के जो इनलेट हैं वो अलग हैं। कई बार इशू आते हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में यदि अलग अलग लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर आप कई बार चाहते हैं कि दोनों के जो सप्लाई के जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएं। तो यहाँ पर जैसे ही आप वॉल को ऑफ कर देंगे तो दोनों टैंक सेपरेट हो जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग हो जाएगा और फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग हो जाएगा। वॉल्व है ऑन ऑफ करने के लिए, जब भी आप चाहें इसे दोनों टैंक को सेपरेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक यूनियन का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि आप इसे खोल के डिस्कनेक्ट करके कहीं भी आसानी से नीचे उतार सकते हैं। देखिए ये इनलेट पॉइंट है और दोनों के इनलेट स्टार्ट करके चेक किया जा रहा है और स्टार्ट करने के बाद आपको दोनों के प्रेशर देखने हैं कि प्रेशर जो दोनों में किस तरीके से आ रहा है। और
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर सप्लाई चालू करने के बाद आपको लीकेजेस चेक करने हैं, जहाँ जहाँ आपने पॉइंट्स लगाए हैं, जॉइंट दिए हैं पाइप के, देखिए यहाँ पे लीकेज हो रहा है, तो ये एक लीकेज टेस्ट था और इसको आप टाइट कर लीजिए। और जहाँ पर आप सॉल्यूशन से, जो सॉल्यूशन आता है सीपीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, तो सीपीवीसी का जो जॉइंट करने के लिए जो सॉल्यूशन आता है, एक अच्छी कंपनी का सॉल्यूशन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो निप्पल हैं वाटर के, वहाँ जो सील है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये कंप्लीट लेआउट हो चुका है, जहाँ पे दो वाटर टैंक अब फिट हो चुके हैं। और इसको आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म ऊपर बनाया गया है, ताकि कई बार जो है वाटर जो ओवरफ्लो होता है वो कई बार नीचे टैंक के नीचे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सीलन आने लगती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये पॉइंट दिख रहा है, और ये पॉइंट है इसके वेस्ट वाटर के आउटलेट का, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि आउटलेट वाटर जो है छत पे, कई बार यदि हम इसको फ्री छोड़ देते हैं तो जो ओवरफ्लो होता है, तो ओवरफ्लो की वजह से पानी छत पर जमा हो जाता है, और उसकी वजह से इवन आपने ओवरफ्लो का अलार्म भी लगा लिया, तब भी जो है वाटर जो है आउट, जो वेस्ट वाटर का आउटलेट है वो छत पे जमा होता है, और उसकी वजह से सीलिंग की समस्या आती है। चार पाइप दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि चौथे पाइप का क्या पर्पज़ है, मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो ये जो चौथा जो पाइप है वो वेस्ट वाटर का पाइप है, और इस वेस्ट वाटर को ड्रेन पाइप से कनेक्ट कर दिया गया है, और उसका फ़ायदा ये है कि आपका वेस्ट वाटर सीधे जो है ड्रेन पाइप में चला जाएगा, और ये जो आपके आउटलेट पॉइंट हैं वहाँ पर इसके एयर के लिए पाइप्स लगाए गए हैं, और इसकी सफिशेंट हाइट दी गई है, और तीन नीचे पॉइंट जो है वॉल्व के दिए गए हैं, जिससे आप इसको ऑफ कर सकते हैं।